गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ सोशल साइंस। तो 2 दिन पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें आप लोगों का डाउट ये था कि मैडम नेटवर्क इशू की वजह से आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था। तो बेटा जो 2 दिन पहले मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स के मतलब जब वो आए तो कैसे वर्ल्ड वार हुआ, उन उस टाइम तक दुनिया में कितना उतार चढ़ाव आ चुका था, कैसे वर्ल्ड वार्स हुए, उसमें किस किस देश को ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचा, इफ़ेक्टिव हुए, एंड हु आर द कंट्रीज़ जो कि ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस वॉर के पीछे। देन एट द एंड जो पब्लिक थी, जो लोग थे, उनके अंदर कैसे देशभक्ति जागी और कैसे हर देश का हर एक नागरिक जो सिटीजनशिप जितने सिविलियंस थे, जितने सिटीजन्स थे, वो कैसे देशभक्ति में इन्वॉल्व हुए। और उस देशभक्ति में नॉट ओनली द यंगस्टर्स, द टीनेजर्स, द मैन वुमेन, ओल्ड एज पर्सन, सब उसमें इन्वॉल्व थे और वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में कैसे ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में ब्रिटिश का कैसे रूल स्टार्ट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सिंस द एंशिएंट पीरियड India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. Inheritance yani jo aapko purvajon se milta hai, yani jo aapko kya bolte hain aap, aapko virasat mein milti hai wo sari cheeze. To bahut purane samay se hi Hindustan के मुकाबले में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था, यानी किस मुकाबले में, इकोनॉमिकली, कल्चरल के मामले में, रिलीजियस के मामले में हिंदुस्तान के बराबर कोई भी देश नहीं था पूरी दुनिया में। और उसका उसी की इसी वजह से ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। और यही वजह थी कि देश दुनिया के अलग अलग देश से लोग हिंदुस्तान में आते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब इकोनॉमिकली, कल्चरल, रिलीजियस चीज़ें ही विरासत में हिंदुस्तान को नहीं मिली थी, हिंदुस्तान में बहुत सारी कीमती चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत साल पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से ही भी जाना जाता था। क्या कीमती चीज़ें थी? देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो एट्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज़। यानी हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें थी जिसमें मसाले थे, मसलिन इज़ अ काइंड ऑफ क्लॉथ, मसलिन, सिल्क, इस ये सारे कपड़े, नील, इंडिगो यानी नील की खेती, ये इन सारी चीज़ों का यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड था और इंडिया और यूरोप के बीच में इसका बिजनेस भी होता था। आज के टाइम पे तो बिज़नेस अदर कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट होता है, जब बिज़नेस होता है तो हम बाय एयर यानी बाय फ्लाइट बिज़नेस करते हैं, लेकिन उस समय में क्या होता था, जो बिज़नेस होता था वो थ्रू लैंड रूट और सी रूट के होता था, यानी लैंड रूट यानी बाय रोड बिज़नेस होता था या फिर समुद्र के रास्ते से बिज़नेस होता था। और जब समुद्र के रास्ते से यूरोप और हिंदुस्तान के बीच में बिज़नेस होता था तो इसके बीच में एक देश आता था, इस्तांबुल। इस रूट के बीच में इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है, वो आता था। फिर क्या हुआ, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD बाय तुर्किश मुस्लिम, द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज क्लोज्ड फॉर द यूरोपियंस, सिंस दे कुड डू नॉट डू दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट।
सो एन एरा ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज बिगिन। अब जब इस्तांबुल को ये रियलाइज़ हुआ कि यूरोप और हिंदुस्तान के बीच में तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो इस्तांबुल ने अपनी खुद की एक मज़बूत टीम बनाई। वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे, तुर्किश मुस्लिम्स थे, उनका पावर बढ़ा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब यूरोपियंस को हम अपना सी रूट नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास एक ही पावर था, सी रूट। यानी अगर यूरोपियंस को हिंदुस्तान बिजनेस करना है बाई सी रूट, समुद्र के रास्ते से अगर बिजनेस करना है, तो उनको इस्तांबुल से होके ही जाना पड़ेगा। तो इस्तांबुल में जो तुर्किश मुस्लिम्स थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम इनको आने जाने नहीं देंगे, जिसकी वजह से इनका बिजनेस नहीं होगा। अब जब उनका आना जाना बंद हो गया, यूरोपियंस का बिजनेस सी रूट से बंद हो गया, तो अब यूरोपियंस के लिए बहुत परेशानी हो गई। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस जो थे, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस हिंदुस्तान के मसालों से करते थे। यानी हिंदुस्तान से मसाले यूरोप कंट्री जाते थे और वहाँ बेचे जाते थे। फिर यूरोपियंस को ये फील हुआ कि अब हमें कोई नया सी रूट डिस्कवर करना होगा, नया कोई समुद्र का रास्ता ढूँढना पड़ेगा, और फिर नई डिस्कवरी स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई? लेट्स सी, वी विल सी इन डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। हिंदुस्तान के लिए जो नया सी रूट डिस्कवर हुआ, उसके बारे में अब हम देखेंगे क्या हुआ। विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्चुगीज किंग प्रिंस हेनरी, सम ब्रेव पीपल बिगन एफर्ट्स टू डिस्कवर न्यू सी रूट। क्या हुआ, अब नया समुद्र का रास्ता ढूंढना था बिजनेस के लिए, तो यूरोपियंस ने पोर्चुगीज़ की हेल्प ली, और वहाँ के राजा थे प्रिंस हेनरी। तो प्रिंस हेनरी ने यूरोपियंस को सपोर्ट किया, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, उनको एनकरेज किया, और कुछ अपने ब्रेव पीपल, मतलब कुछ सेना भी उनको दी, कुछ लोग भी उनको दिए, जो ताकि वो नया सी रूट डिस्कवर कर सकें। इसके पीछे भी उन्होंने पोर्चुगीज़ का भी कोई लालच था, कोई इन्वॉल्वमेंट था, यानी उनके बीच में कोई डील हुआ होगा कि हम भी बिजनेस करेंगे, इसलिए यूरोपियंस रेडी हुए। और जब सी रूट डिस्कवर हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हुए, और जिसमें एक थे बार्थोलोमी डायज, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया, केप ऑफ गुड होप, यानी नए आस की का रास्ता। विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस बिगन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट इन 1492, विच अगेन केम टू अ स्टॉप एट एन आइलैंड प्रेजेंटली नोन एज वेस्ट इंडीज, सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन। अब पोर्चुगीज़ किंग प्रिंस हेनरी से भी हेल्प लिया इन लोगों ने, जिन्होंने इकोनॉमिकली हेल्प किया, कुछ अपने ब्रेव पर्सन्स भी दिए, और कुछ ग्रेट लीडर्स भी, ग्रेट पर्सनालिटीज़ भी इस सी रूट को डिस्कवर करने लगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा अलग अलग देश के लोगों को हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करना था, और हर देश को यह पता था कि हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करना यानी फ़ायदे का काम होगा। तो अब इसमें कौन इन्वॉल्व हुआ, जो स्पेन के किंग थे वो भी इन्वॉल्व हुए, और उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को एनकरेज किया। और क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको हम जानते हैं, जिन्होंने अमेरिका की खोज की, ये हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अमेरिका की खोज उन्होंने कैसे की थी। तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी नया सी रूट खोजने के डिस्कवरी के में चले गए, और 1492 में उनकी वो डिस्कवरी एक आइलैंड पे जाके ख़त्म होती है, क्रिस्टोफर कोलंबस की, और वो आइलैंड आज वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। कोलंबस, जो कि जब तक ज़िंदा थे, वो क्या सोचते थे कि उन्होंने हिंदुस्तान जाने का एक नया सी रूट ढूंढ लिया है, हिंदुस्तान से बिजनेस करने का नया सी रूट ढूंढ लिया है। उन्होंने एक्चुअली एक नए लैंड की डिस्कवरी की थी,
उन्होंने एक नया ज़मीन, नए देश को डिस्कवर कर दिया था, और वो देश आज क्या नाम से जाना जाता है, अमेरिका के नाम से। और उस टाइम पे जब उन्होंने उस देश की डिस्कवरी की थी, उस लैंड की डिस्कवरी की थी, तब उसको क्या नाम दिया गया था, अमेरिगो वेस्पूसी, और आज उसको अमेरिका के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ, जब डिस्कवरी हो गई नए सी रूट की, तो अब क्योंकि पोर्चुगीज़ भी इसमें इन्वॉल्व थे, स्पेन भी इसमें इन्वॉल्व था, यूरोपियंस ने कुछ ना कुछ पक्का लालच दी होगी। लेकिन यूरोपियंस से पहले हिंदुस्तान में कौन आया ये देखते हैं, और यूरोपियंस का हिंदुस्तान में कैसे अराइवल हुआ, उन्होंने कैसे अपना बिजनेस वहाँ पे हिंदुस्तान में आके एस्टैब्लिश किया, ये अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। अब क्योंकि ये तो यूरोपियंस थे जिन्होंने नया सी रूट डिस्कवर किया, तो जब नया सी रूट डिस्कवर हो गया, तो हिंदुस्तान के साथ पहला बिजनेस करने वाला कौन था, पोर्चुगीज़ थे, जिन्होंने क्या किया, डिस्कवरी, नए सी रूट की डिस्कवरी के बाद सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना, हिंदुस्तान में आए और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ट्रेड यानी क्या होता है, एक देश से दूसरे, अपने दूसरे देश में व्यापार करना, दैट इज ट्रेड। एंड क्या हुआ उसके बाद से, विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स द पोर्चुगीज टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का एट्सेट्रा। और जैसे ही पोर्चुगीज हिंदुस्तान आए, उन्होंने 100 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान के अलग अलग टेरिटरीज में अपना कंट्रोल कर लिया, यानी पूरी तरह से उनका बिजनेस कंट्रोल हो गया वहाँ पे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में, टेरिटरीज़ में। और उनमें कौन था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्चुगीज़ अपना ट्रेड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो था दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का। और फिर क्या हुआ, इंस्पायर्ड बाय द पोर्चुगीज़ सक्सेस इन ट्रेड, द डच फ्रॉम हॉलैंड एंड द डेनिश फ्रॉम डेनमार्क अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड। अब क्योंकि दूसरे देशों ने देखा कि पोर्चुगीज़ तो ट्रेड में बड़े सक्सेसफुल हैं हिंदुस्तान जाके, तो हॉलैंड से डच और डेनमार्क से डेनिश हिंदुस्तान आए क्या करने, ट्रेड करने, बिजनेस करने। और द इंग्लिश ट्रेडर्स इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया। और इस तरह से सारे इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे, जितने ब्रिटिश कंट्री के, जितने ये छोटे छोटे कंट्रीज थे ब्रिटिशर्स के, जितने छोटे छोटे कंट्रीज थे, इन्होंने इस तरह हिंदुस्तान आके, मतलब डच, हॉलैंड से, डेनमार्क से, डेनिश, पोर्चुगीज़, ये सारे इकट्ठा होके एक नई, मतलब ये सब ही धीरे धीरे यहाँ आए, और सब ने क्या किया, हिंदुस्तान में आके एक नई कंपनी डाल दी, जिसका नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ से अपना ट्रेड करने लगे, बिजनेस करने लगे। इम्पोर्ट को ऐसी चीज़ें होती थी हिंदुस्तान में, उनकी कंट्री से, जिसका हिंदुस्तान में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से सारी कीमती और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट होने लगी। इम्पोर्ट यानी आती थी और एक्सपोर्ट यानी जाती, जो जाती हैं। फिर इन 1600 AD व्हेन क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड gave the permission to the East India Company to carry out trade with the Eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. जब इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन मिली इनको, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं, यानी हिंदुस्तान में कंपनी डालने के बाद से अब वो हिंदुस्तान में बैठ के दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या करने लगे, अपना बिजनेस करने लगे, यानी हिंदुस्तान उनकी कंपनी हो गई और अब वो बिज़नेस दूसरे कंट्रीज़ के साथ करने लगे। और जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन मिली, तो इस कंपनी को लीड करने के लिए, ट्रेडर्स जो ट्रेड जो ये जो बिज़नेस था इसको लीड करने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को चुना गया, और वो सूरत आए और
सूरत पे कंट्रोल करना, लीडरशिप करना, लीड करना, सूरत के बिजनेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, बट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ एंड ऑपोजिशन फ्रॉम द पोर्चुगीज, दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश दियर ट्रेड देयर। अब जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन मिली तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आ गए सूरत कि अब ईस्टर्न कंपनी, ईस्टर्न कंट्रीज भी आके सोच रही थी कि हम भी यहाँ पे अपनी कंपनी बना लें। लेकिन जब वो यहाँ आए तो पोर्चुगीज़ जो ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, अपना ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी कि यहाँ पे वो आप यू आर नॉट अलाउड टू कम एंड स्टार्ट योर बिजनेस, योर ट्रेड। तो वो लोग नहीं स्टार्ट किए अपना ट्रेड। बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर, एंड दस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोठी इन सूरत इन 1613 AD। अब जब विलियम हॉकिंस आए सूरत आए कि हम अपना ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करें, पहले जो इंग्लिश कंट्री कंपनीज थी, इंग्लिश और फ्रेंच लोग थे जो, उन वो पहले आए घूमने के पर्पस से, बिजनेस करते थे आके, और उन्होंने पहले हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जाके देखा कि उनका फ़ायदा कहाँ पे है, फिर उन्होंने धीरे से यहाँ पे आके अपनी कंपनी डाल दी। और फिर जब सूरत में उन्होंने सोचा कि हम अपना ट्रेड करें तो पोर्चुगीज़ ऑलरेडी यहाँ पे अपना ट्रेड कर रहे थे तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। लेकिन यहाँ के जो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल बादशाह जो थे, उन्होंने, जहांगीर जो थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी बिज़नेस करने की। और जैसे ही उनको परमिशन मिली उन्होंने अपना पहला ट्रेड सेंटर कहाँ पे डाला, सूरत में, और वो 1613 में डाला। पहला बिजनेस सेंटर, ट्रेड सेंटर उनका 1613 में सूरत में डाला। इनिशियली द कंपनी एस्टैब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। और धीरे धीरे इन्होंने गुजरात के 3 अलग अलग शहरों में अपने कंपनी इस्टैब्लिश कर लिया। और वो कौन से 3 अलग अलग शहर थे, सूरत, भरूच और अहमदाबाद। सूरत ऑलरेडी ये पहले जैसे ही मुग़ल एम्परर जहांगीर ने परमिशन दी उन्होंने अपना ट्रेड सूरत से स्टार्ट किया, उसके बाद से कंपनी ही डाल दी, और फिर भरूच में एक कंपनी डाल दी और अहमदाबाद में अपनी कंपनी डाल दी। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास इन द रीजन, द कंपनी सेंस्ड डेंजर टू इट्स एग्जिस्टेंस एंड हेंस मूव टूवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन, वेयर दे सेट अप दियर सेंटर्स इन मछलीपट्टनम विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज विच इज़ इन चेन्नई, एंड फोर्ट विलियम विच इज़ इन कोलकाता। अब जब वो गुजरात आ गए, अपनी कंपनी उन्होंने डाल दी 3 अलग अलग शहरों में, तो अब ये बड़े निश्चिंत हो गए। लेकिन क्योंकि इस रीजन में, हिंदुस्तान के कुछ रीजन में मराठास का बहुत स्ट्रॉन्ग पावर था, तो ब्रिटिशर्स को इसका एहसास हो चुका था और वो ये समझ गए थे कि हम यहाँ पे गुजरात में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, और आगे कहाँ बढ़ाया, साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ, यानी हिंदुस्तान में ही साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ अपना अपना सेंटर, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और कहाँ कहाँ सेंटर डाला, मछलीपट्टनम जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज जो कि चेन्नई में है, और फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है, उन्होंने अपना सेंटर डाला। और मुंबई को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ बना हिंदुस्तान में, मुंबई में। और ये कब बना, 1687 AD में। नाउ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 AD। 1687 में इन्होंने अपने कंपनी हेडक्वार्टर मुंबई में डाला, लेकिन उससे पहले से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में ट्रेड कर रही थी, यानी अपना बिजनेस कर रही थी। और धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना बिजनेस माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम में
सेटअप कर लिया था, यानी उनका इन जगहों पर ऑलरेडी सेटअप था, अपना ट्रेड चल रहा था। इन द 18th सेंचुरी द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर कॉन्स्टेंटली बिजी establishing their rule in the entire world and conquering more territories. 18th century में क्या हो रहा था, जो English थे यानी East India Company, British East India Company और French यानी French East India Company जो थी वो क्या कर रही थी, किस में बिजी थी, अपने अपने बिजनेस को हिंदुस्तान में establish करने में जब बिजी थी, और किस प्लान में थी कि पूरी दुनिया में इस बिज़नेस के थ्रू पूरी दुनिया को जीत सके, तो छोटी छोटी जगहों पर वो क्या कर रहे थे, अपना बिज़नेस डाल रहे थे। तभी क्या हुआ, बिटवीन 1746 एंड 1763 देयर वर थ्री कर्नाटका वॉर्स बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट, दस मेकिंग ईजी द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1746 और 1763 के बीच में कर्नाटका में तीन वॉर हुए, किसके किसके बीच में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक तीन वॉर हुए कर्नाटका वॉर। और क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों कंपनीज ये चाह रही थी कि मैं कर्नाटका में अपना अपनी कंपनी डालूं, और फ्रेंच कह रहा था कि मैं अपनी कंपनी डालूं, और नतीजा ये हुआ कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पावरफुल हो गई। अब जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पावरफुल हुई, तो पोर्चुगीज़ ने जब उनका पावर देखा तो वो क्या किए, दमन दीव और गोवा में जो उनका कंट्रोल था, जो वहाँ से ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और वो चले गए। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हारने के बाद भी अपना ट्रेड कहाँ से कर रही थी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडिचेरी से कर रही थी, जहाँ से वो पहले से अपना ट्रेड कर रहे थे। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी कंपनीज़ को हरा के हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मैक्सिमम जगहों पर, अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन में अपना कंट्रोल कर लिया था। और उसके बाद से अब इन्होंने, क्योंकि ये ट्रेड के बहाने हिंदुस्तान में आए थे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए, तो अब इनका प्लान था कि किस तरह से हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया जाए, कैसे हिंदुस्तानियों को अपने कंट्रोल में हिंदुस्तान पे रूल किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, रूल हुआ करता था। तो इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की कि कैसे अब आपस में इनको लड़ाया जाए और कैसे इनके बहाने हम कंट्रोल कर सकें हिंदुस्तान को। तो इसके लिए पहली लड़ाई कहाँ हुई, प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी, और जिसके बाद से इनका पूरी तरह से हिंदुस्तान पे कंट्रोल हो गया। तो कम एंड लेट्स सी अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल, बंगाल के राजा कौन थे उस टाइम पे, सिराजुद्दौला, और ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट। उनका नेचर बहुत क्रूएल था, बहुत रूड था, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, वहाँ के नागरिक उनसे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट में, बंगाल के अलग अलग स्टेट में उनके बहुत सारे दुश्मन तैयार हो गए थे। और इसी समय पे, ड्यूरिंग दिस पीरियड, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन। और इसी समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, अपना ट्रेड सेंटर कोलकाता में बना रही थी। किस लिए बना रही थी, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सके। वो ये चाहती थी कि यहाँ के राजा जो हैं हमारे कंट्रोल में आ जाएं और हम सिक्योर हो जाएं। तो उसने कोलकाता को अपना ट्रेड सेंटर बनाना चाहा, और इसके लिए उसने नवाब से कोई परमिशन नहीं ली। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। जब नवाब सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने इस फोर्ट्रेस को क्या किया, ख़त्म कर दिया। When this news reached Madras, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. जैसे ही
नवाब सराजुद्दौला ने ये फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय किया कि यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता है बिज़नेस का, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय किया, तो ये न्यूज़ मद्रास पहुँची, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी आर्मी, यानी इस कंपनी की रक्षा करने के लिए एक आर्मी ऑलरेडी तैयार थी, जिसके लीडर रॉबर्ट क्लाइव थे, उनको जब ये न्यूज़ मिली तो वो कहाँ पहुँचे, बंगाल पहुँचे, ताकि जो कलकत्ता में ट्रेड सेंटर बन रहा है उसको वो सपोर्ट कर सकें। अब क्या होता है जब वो वहाँ पहुँचते हैं, लेट्स सी। इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, दे रियलाइज दैट इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी को लेके पहुँचते हैं बंगाल कोलकाता, तो उन्होंने देखा, हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जब उन्होंने नवाब की आर्मी देखी तो उन्हें ये एहसास हो गया कि ये नवाब को नहीं हरा सकते हैं। तब इन्होंने एक प्लान रचा। सो रॉबर्ट क्लाइव रिजॉर्टेड टू ट्रीचरी। ट्रीचरी यानी इन्होंने एक क्या चली, चाल चली। क्या चाल चली? अ कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान्ड इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीर चंद वॉज कॉक्स टू जॉइन। अब इनकी क्या चाल थी, उनका प्लान ये था कि नवाब को हराना है, तो नवाब को हराने के लिए इन्होंने नवाब के ही कमांडर को, कौन थे जो, मीर जाफर और सेठ अमीर चंद को चुना, उनको लालच दी, कॉक्स किया, उनको लालच दी कि वो हमें ज्वाइन कर लें, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लें। ऑन द प्रटेक्स दैट द नवाब इज अननेसेसरली हरासिंग द पीपल, अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड एट अ ग्राउंड नियर अ विलेज नेम पलासी। और क्या लालच दिया, उन्होंने कहा कि नवाब अगर हार जाएंगे, आप, हम ये जानते हैं कि नवाब से आप लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि नवाब आप लोगों को बेवजह परेशान करते हैं, अननेसेसरी हरास करते हैं, तो अगर आप लोग उनको हरा देंगे तो आपको यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। क्योंकि मीर जाफर और सेठ अमीर चंद इस लालच में आ गए, तो एक युद्ध की घोषणा हुई, डिक्लेयर हुआ एक युद्ध होगा, और वो कहाँ हुआ, वहीं के एक गांव में, बंगाल के ही एक गांव में, जिसका नाम है प्लासी, वहाँ पे युद्ध हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ, लेट्स सी। देखो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757 AD, यानी 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और बैटल फील्ड जो था वो कितने किलोमीटर में था, 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद है, वहाँ पे बैटल जो, जहाँ पे प्लासी की लड़ाई हुई थी, वो मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर दूर है। नाउ अब जब ये डिक्लेयर हो गया कि युद्ध डिक्लेयर हो गया, घोषणा हो गई कि युद्ध होगा, मतलब राजा को पता चल गया कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ़ हैं और मुझसे लड़ना चाहते हैं, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। अब क्या हुआ, प्लान के अकॉर्डिंग लड़ाई हुई और सिराजुद्दौला हार गए। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रीचरी द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। रॉबर्ट क्लाइव ने चाल चली, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे एक दिन भी युद्ध नहीं चला, आधे दिन में ही युद्ध ख़त्म हो गया। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनाज। अब क्योंकि राजा वहाँ के हार चुके थे, तो अब कंपनी जो है पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी, 24 परगनास पे उसका कंट्रोल हो चुका था। मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया। वो क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी रीज़न था। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना तो दिया, लेकिन मीर जाफर जो भी डिसीजन लेते थे वो रॉबर्ट क्लाइव के से ही पूछ के लेते थे, यानी देखने के लिए वहाँ का नवाब कौन था, मीर जाफर थे, लेकिन कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का, वहाँ पे कंट्रोल हो गया। दस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज
रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब जैसे ही नवाब, वहाँ का नवाब मीर जाफर बना बंगाल का नवाब, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से आज़ाद हो गए थे, अब उनको किसी का डर नहीं था। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, जो कि 1757 में हुआ था, उसके बाद से इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था और उनका पूरा फाउंडेशन, मतलब वो पूरी तरह से अब हिंदुस्तान में जम चुके थे। यानी जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुई, वो एक नवाब को जब हरा दिए, तो नवाब सिराजुद्दौला को जैसे ही हराए तो उनको ये एहसास हो गया कि अब पूरा हिंदुस्तान हमारा है, और उसके बाद से हिंदुस्तान पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। अगर आपको यहाँ इस कंटेंट में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बिफोर एंडिंग दिस क्लास, चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि कैसे हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल स्टार्ट किया। उससे पहले हमने क्या देखा कि हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के आने से पहले कितना इम्पॉर्टेंट था अदर कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद से जब वहाँ पे इस्तांबुल के जो तुर्किश मुस्लिम थे, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स का आना जाना, यूरोपियंस का हिंदुस्तान आना जाना रोक दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि नए सी रूट की डिस्कवरी हुई, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि वो, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और जब तक वो ज़िंदा थे वो क्या सोचते थे कि उन्होंने हिंदुस्तान जाने के लिए नए सी रूट की खोज की है, और एक्चुअल में उन्होंने नए देश की खोज की थी, जिसको आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। और जैसे ही नया सी रूट मिल गया हिंदुस्तान आने के लिए, इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस हिंदुस्तान आने लगे, धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करते करते उनका माइंड हिंदुस्तान पे कंट्रोल करने का होने लगा। और हिंदुस्तान पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नवाबों पे कंट्रोल करना चाहा। तो नवाबों पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सिराजुद्दौला को टारगेट किया, जो कि बंगाल के नवाब थे, और बंगाल के नवाब को हराने के लिए नवाब के ही लोगों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मीर जाफर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। मीर जाफर ने ही सिराजुद्दौला को हराया, और ये जो लड़ाई हुई थी इसको बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया गया। और जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुई उस, और मीर जैसे ही सिराजुद्दौला हारे, उसके बाद से हिंदुस्तान पे ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, और इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन यू कैन आस्क, आई विल क्लियर इट। थैंक यू।